अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे जोधपुर के लाले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत साहब से कि जोधपुर वृत्त बैंक के इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह में और वेबसाइट के इस लोकार्पण समारोह में आप अपना मार्गदर्शन अपना उद्बोधन और जोधपुर के भामाशाहों के लिए जोधपुर के कार्यकर्ताओं के लिए अपना संदेश आप हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सबसे पहले मैं निर्मल गहलोत जी को तमाम की टीम को बधाई देता हूँ धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया है और ये उदाहरण पेश किया देश के सामने। इतना बड़ा काम आपने किया है एक संदेश दिया है पूरे प्रदेश में पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य बैंक मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ऑक्सीजन जनरेट करने के प्लांट भी जोधपुर लग रहे हैं ज्यादातर में भी लगेंगे देश में भी लगेंगे। जोधपुर की परंपरा रही है उनके खून में है सर्विस करना लोगों की और इसलिए हम देखा कि जैसे ही निर्मल गहलोत जी आपने काम शुरू किया अपने साथियों सहयोग से तो एक के बाद एक लोग ऑफर करने लग गए आपको और इस सिलसिला आगे बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लाज्मा थेरेपी भी हो रही है मैं सुझाव देना चाहूंगा गहलोत साहब को कि आप इसमें प्लाज्मा बैंक की तरह भी काम इसमें कर सकते हैं जो संदीप मेहता जी ने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही शानदार थेरेपी वो भी है तो अगर हम लोग मोटिवेट करके रखें आपने एक तो नाम बताए थे जो कि टेलीफोन करते हैं वो लोग मत करते अच्छी बात है उनको जोड़ लीजिए और जो लोग कोरोना का इलाज पूरा हो चुका है ठीक हो चुके हैं उसके मेरे ख्याल एक महीना बाद में डेढ़ महीना बाद में वो प्लाज्मा ले सकते हैं उसका उसको आप लिस्ट बनवा लीजिए 100-150 लोगों की जिससे कि आपका प्लाज्मा बैंक भी इस बैंक के साथ में जुड़ जाएगा और आराम हो जाएगा अस्पतालों को चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट अस्पताल हो किस प्रकार जो जिसको जरूरत होगी उसको प्लाज्मा मिल पाएगा तो उसकी जिंदगी बच जाएगी। सुना इसलिए भी आया हुआ कि जोधपुर काफी दिन से आया नहीं हूँ तो इसी माने मतलब मिलना भी रहेगा तो मैं आपको लंबी बात नहीं करता हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस रूप में हमारे गहलोत साहब ने जो लगे में सेवा में उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है उनके साथियों ने भी और सबको जोड़ के मैं समझता हूँ निर्मल गहलोत जी ने और सबने इसको बिड़ा उठाएगा पूरा देश पर विदेश के लोग जुड़ गए इससे और ज़्यादा मजबूती मिलेगी मुझे पूरे यकीन है और उसी रूप में मैं समझता हूँ जब थर्ड वेव की बात करते हैं तो लगता है कि हमें अभी से ही जो तैयारी आप कर रहे हो ये तैयारी भी उस वक्त भी काम आएगी और ये जो लोग कहते हैं कि कोई तो मई की बात ही करता है कि 10-15 दिन बाद में ठीक हो जाएंगे काफ़ी हद तक कुछ कहते जून कुछ कहते जुलाई कुछ कहते थर्ड वेव कभी भी आ सकती है दुनिया के मुल्कों में सेकेंड वेव भी आ गई थर्ड वेव भी आ गई और वो भी बहुत खतरनाक रही थी उन्होंने लॉकडाउन किया पूरा सुना होगा आपने यूके के लंदन पूरा लॉकडाउन रहा जब थर्ड वेव आ गई थी 4 महीने पूरी तरह इसराइल में आज खत्म हो गए प्रकार से मास्क हट गए वहाँ पर क्योंकि उन्होंने पूरी कड़ाई करी सिंगापुर में ऐसा ही हुआ उन लोगों ने 50,000 तक जुर्माना लगा दिया मास्क लगाने वालों पर पता नहीं क्या क्या स्टेप उठाए तब जाकर के ये रुका है तो आज लंदन जो है जहाँ 1,000-2,000 लोग मरते थे आज 5-10-15-20 लोग मरने की बात खबर आती है तो कहने का मतलब ये आपका मास्क जो है ये वैक्सीन की तरह इम्पोर्टेंट है जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी क्योंकि वैक्सीन की संख्या इतनी बड़ी है सप्लाई नहीं हो रही है भारत सरकार से ऑक्सीजन कंट्रोल में भारत सरकार की होती है दवाइयाँ कंट्रोल में उनके हैं और वैक्सीन जो कंपनी बना रही है आप देखा होगा भारत सरकार ने उनको कहा है कि आप सीधा दीजिए राज्य सरकारों को प्राइवेट को उनके पास है ही नहीं तो क्या होगा आने वाले वक्त में वो तो हम लोग आपस में बातचीत करेंगे कोऑर्डिनेट करेंगे पर मैं आपको जोधपुरवासियों को तमाम सबको मैं आह्वान करना चाहूँगा और आपको निर्मल जी को तमाम के साथियों को जिन्होंने दानदाता बन के आ गया है मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज रहेगा और हिम्मत करेंगे लोग राजस्थान के अंदर भी और बाहर भी किस प्रकार से हम ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर इकट्ठे करें बैंक बनाएं किस प्रकार प्लाज्मा के लिए हम लोग आगे आए मैं समझता हूँ सब मिलकर के मुकाबला करके कामयाब होंगे
इस मौके पर मैं जोधपुर वासियों, मुझे पता है कई कई लोगों की मृत्यु हुई है जहाँ पे जाने वाले थे, इतने धक्के लगते हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं अब आप किन शब्दों में बात करूँ आपसे, और पूरे प्रदेश में जो जिस प्रकार से पिछले दिनों में जो आंकड़े आ रहे हैं मृत्यु के, हम अपनी ओर से आप सबकी ओर से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर सकते, परिवार के प्रति ईश्वर जी आपको शांति प्रदान करे। और ये हमारा प्रयास हो, एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से जान नहीं जाए उसकी। ये जो बीड़ा आपने उठाया है, मैं समझता हूँ इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हमारा मिशन है, यही लक्ष्य है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण एक की भी श्वास नहीं जाए। और जैसा कि आपने बताया कि वैज्ञानिक सभी कह रहे हैं कि थर्ड वेव वापस आने वाली है, तो उस थर्ड वेव को लेके पूरी तैयारी जोधपुर की पहले से हो, इसी के लिए हमने स्थायी रूप से जोधपुर श्वास बैंक की हमने स्थापना की।